नमस्कार, आज हम यहाँ पर जानेंगे लीवर सिरोसिस के बारे में, या इसको हम कह सकते हैं कि यकृत सिरोसिस, या यकृत के एक तरह से फाइब्रोसिस होना, रेशेदार ऊतक बन जाना। तो ये एक बीमारी है, और ये जब यकृत जो लीवर है उसमें कोई इन्फेक्शन होता है, जैसे कि हिपेटाइटिस, कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, या फिर जेनेटिक कोई बीमारी है, या अधिक शराब पी रहा है कोई, तो ये जो यकृत है, लीवर है, इसके जो टिश्यूज़ हैं वो फाइब्रोस होने लग जाते हैं, और वो जटिल होने लग जाते हैं, रेशेदार होने लग जाते हैं, और लीवर अपने फंक्शन जो होता है, कार्य जो होता है, वो अच्छी तरह से नहीं कर पाता है। तो ये होता है लीवर सिरोसिस। सिरोसिस एक धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी है, जिसमें स्वस्थ लीवर ऊतक को रेशेदार ऊतक से बदल दिया जाता है, जिससे लीवर की कार्यप्रणाली खराब हो जाती है। सिरोसिस में लीवर दोबारा बढ़ने या पुनर्जीवित होने की क्षमता खो देता है, वापस से सही होने की क्षमता खो देता है। लीवर सिरोसिस के लक्षण क्या हैं? यह है थकान होना, आसानी से खून बहने लगता है, इसमें आसानी से घाव हो जाता है, त्वचा में खुजली हो जाती है, त्वचा और आँखों में पीलापन, पीलिया हो जाता है, पेट में द्रव्य का संचय जिसको जलोदर कहते हैं वो हो जाता है, भूख में कमी, जी मिचलाना, पैरों में सूजन आना, वजन घटना, भ्रम, पुनिंदापन और अस्पष्ट बोली जिसको लीवर एंसेफेलोपैथी कहते हैं, और जो स्किन होती है त्वचा पर मकड़ी जैसी रक्त वाहिकाएं बन जाती हैं, हाथों की हथौलियों में लालिमा जाती है, पुरुषों में प्रेषण शोष। अब हम जानेंगे लीवर सिरोसिस के कारण क्या क्या होते हैं। तो लगातार शराब का सेवन करना, जीर्ण वायरल संक्रमण हुआ है कोई, लीवर के क्रॉनिक वायरल संक्रमण हुए हैं जैसे कि हेपेटाइटिस बी सी, अल्कोहल लीवर रोग ALD, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर रोग हुआ है, या नॉन अल्कोहलिक स्टेटो हेपेटाइटिस हुआ है। और यदि इसके जोखिम कारक की बात करें कि किन में इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो शराब, वायरल हेपेटाइटिस हुआ है, मधुमेह, आनुवांशिक लिंग कुपोषण। अब लीवर सिरोसिस किसी व्यक्ति को हो गया है तो उस जटिलताएँ क्या कॉम्प्लिकेशन होती हैं, पोर्टल उच्च रक्तचाप बढ़ जाता है, जो लीवर की वेसल्स होती हैं वहाँ पर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, एडिमा हो जाता है, पैरों में पेट में सूजन आ जाती है, जलोदर पेट में तरल पदार्थ का जमा होना, संक्रमण होना, स्प्लीनोमेगली होना मतलब कि प्लीहा का बढ़ जाना या लिम्फोसाइट का कम हो जाना, रक्तस्राव होना, ब्लीडिंग होती है, कुपोषण होना, हिपेटोएन्सेफेलोपैथी होती है जिसमें दिमाग सही ढंग से काम नहीं करता, पीलिया, हड्डी रोग का होना, लीवर कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। लीवर सिरोसिस की रोकथाम कैसे करते हैं? स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर, और लीवर रोग के लिए नियमित जांच कर और देखभाल अनुकूलन करके। इसका डायग्नोसिस या निदान कैसे किया जाता है? तो लक्षण देखे जाते हैं, नैदानिक परीक्षण किया जाता है, रक्त परीक्षण किया जाता है जिसमें कि लीवर फंक्शन टेस्ट या कहें LFT किए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड स्कैन में CT स्कैन, MRI स्कैन, इलास्टोग्राफी, लीवर बायोप्सी की जाती है। नेक्स्ट आता है इसका इलाज क्या है। सामान्य तौर पर एक बार क्षति हो जाने के बाद जो लीवर सिरोसिस है वो अपरिवर्तनीय होता है। उपचार का उद्देश्य यकृत के आगे के घाव को रोकना या प्रगति को धीमा करना है, जिससे वो आगे नहीं बढ़े। तो इसके लिए शराब पीना बंद करना, दवाई लेते समय सावधान रहना, कोई भी दवाई क्योंकि लीवर से ही उग जाती है, लक्षणात्मक जो सिम्टोमेटिक इलाज है वो करना, पर्याप्त भोजन और नियमित व्यायाम करना, पेट में बनने वाले तरल पदार्थ का निकास करना, पोर्टल दबाव को कम करने वाली दवाई लेना, खुजली कम करने की दवाई लेना, ये सब जो डॉक्टर हैं जो देख रहे हैं उनके अकॉर्डिंग लेनी है। शरीर में द्रव संचय को कम करने के लिए कम सोडियम का आहार लेना, मूत्रवर्धक लेना, इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकल संक्रमण से सुरक्षा के लिए टीकाकरण करना, एंटीवायरल दवाएं क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी को ठीक कर सकती हैं, लेकिन क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी को केवल दबा सकती हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इम्यूनोसप्रेसेंट ऑटो इम्यून बीमारी को मैनेज करने के लिए देते हैं, लेकिन सभी को नहीं देते, ये डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। तो आज हमने जाना लीवर सिरोसिस के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें।